अस्सलाम वालेकुम। हम सब कैसे हैं? मैं शेफ़ ब्यूटी लॉन से शफ़क बात कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। और इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ कि मैं आज क्या लेके आ रही हूँ आपको, ये स्किन पे ही है, स्किन का है, नाइट क्रीम का। मेरे बारे नाइट क्रीम का बहुत से लोगों ने पूछा था, तो मैंने सोचा कि होम मेड नाइट क्रीम आपको बनाना सिखा रही हूँ, जो कि हाइड्रेटिंग, नरिशिंग, ग्लोइंग एंड रेडियंट स्किन के लिए होती है। जिनकी स्किन रेड हो जाती है उनके लिए भी है, जो बहुत ज़्यादा केमिकल इस्तेमाल करने से स्किन बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है उनके लिए भी है। तो इसमें क्या क्या शामिल हो रहा है, इसको बताने से पहले आपको कहूँगी कि सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना, वॉच टाइम भी इंक्रीज़ करवाइए। तो देखिए, सबसे पहले इसमें एक एलोवेरा जेल डलेगा, ठीक है। ये ग्लिसरीन डलेगी इसमें और एलमंड ऑयल होगा और विटामिन ई के कैप्सूल है। तो हम इस तरह करते हैं कि वन टीस्पून अगर हम एलोवेरा जेल ले रहे हैं, वन टीस्पून ही ग्लिसरीन जाएगी। एलमंड ऑयल जाएगा इसमें। एलमंड ऑयल आप जानते ही हैं कि ये भी स्किन को फेयर करता है और जो दाग धब्बे होते हैं दानों के, वो भी लाइट करता है ग्रेजुअली। और टू जो है कैप्सूल विटामिन ई के आप डाल दीजिए। आपको पता है कि मसाज होता है, इससे बहुत अच्छी स्किन हो जाती है। रफ जिसकी होती है, ड्राइनेस हो जाती है, वो अगर खाली कैप्सूल भी अगर इस्तेमाल कर लें अपने फेस के ऊपर तो ग्लोइंग हो जाएगी। अब आप इसको इतना करें कि ये क्रीम की शक्ल में आ जाए। ये क्रीम की शक्ल में आना चाहिए, वरना फ़ायदा इसका कुछ भी नहीं होगा। इसको लगाने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसको क्रीम की शक्ल में आना है। अभी भी ये क्रीम की शक्ल में नहीं आया। कंटिन्यूसली आप 5 मिनट आप इसको करें। ये देखिए, ये आ गई, ये क्रीम की शक्ल में आ गई है। अब इसको एयर टाइट जार में आप कर लीजिए और चेहरे को फेस वॉश के ज़रिए वॉश करने के बाद आप इसको नाइट में आप जो है ना फेस के ऊपर, अभी मैं फेस पे तो नहीं दिखा रही लेकिन सिर्फ हैंड पे दिखा रही हूँ, इस पर फेस पे आप इस तरीके से करें, लगाएं और अप्लाई करें और इसको अच्छी तरीके से, जहाँ जहाँ आपके ड्राइनेस है फुल फेस के ऊपर, वहाँ वहाँ जहाँ पे रिंकल्स पड़ रहे हैं, वहाँ जहाँ पे दाग धब्बे हैं, वहाँ वहाँ सब जगह आप लगाएं। हाथों पे नहीं है, सिर्फ आपको फेस पे बता रही हूँ। और सो जाएं, सुबह उठ के बाद फेस वॉश करें, इंशाल्लाह विद इन अ वीक आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ ही मैं आपको एक ड्रिंक भी बता रही हूँ जो आपको कल इंशाल्लाह बताऊँगी, लेकिन वैसे ही एक आप खीरा ले लें, उसमें पुदीने के पत्ते ले लें और लेमन ले लें और तुख मलंगा या चिया सीड लेकर रात को भिगो के उसको ग्राइंड कर लें सबको और उसको भी पिएं, तो उससे भी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो और हेल्दी होगी। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।